बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपसे एक टर्किश ब्रेकफास्ट रेसिपी मेनेमेन शेयर कर रहे हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और मिनटों में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और टर्की में ये ब्रेकफास्ट बहुत शौक से खाया जाता है। मेनेमेन बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। हम इसे दो अदद अंडों के हिसाब से बनाएंगे, तो दो अदद हमने चीज़ स्लाइसेस लिए हैं, मक्खन लेंगे और दो अदद अंडे लेंगे। एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया, इसका पेस्ट बना दिया है। 1/4 टीस्पून नमक लेंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च और दो अदद हरी मिर्चें लेंगे। अगर आप ज़्यादा अंडों का बनाएं तो आप उस हिसाब से मसाला लें। हमने दो अंडों के हिसाब से सारी चीज़ें ली हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हैं। एक पैन के अंदर 1 खाने का चम्मच बटर डालेंगे, इसे मेल्ट करेंगे। अब इसके अंदर हरी मिर्चें डालकर इतना फ्राई करेंगे कि हल्का सा हरी मिर्चों का कलर चेंज हो जाए। हरी मिर्चें फ्राई हो गई हैं, अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालकर मिक्स कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम इसके अंदर नमक और लाल मिर्चें भी डालकर मसाले को हल्का सा भून लेंगे। मसाले को हमने हल्का सा भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस रखेंगे। चीज़ स्लाइसेस डालने के बाद हम दो अदद अंडे भी इसके ऊपर डाल देंगे और चम्मच की मदद से तोड़ लेंगे। और इसके ऊपर हम लाल मिर्च और नमक डालने के बाद हम इसे हल्की आंच पर इतना पकाएंगे कि चीज़ मेल्ट हो जाए और अंडे बिल्कुल डन हो जाएँ। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा टर्किश ऑमलेट मेनेमेन। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।